कल एक जगह हम बैठे थे तो वो बाहर के दुनिया के से हो नया नया होके आया बेचारा, तो कहने लगा काफिरों के यहां क्या जिंदगी के उसूल हैं। मैंने कहा ना नहीं, काफिरों के पास जिंदगी के उसूल नहीं, जिंदगी के उसूल सिर्फ मुसलमानों के पास इस्लाम के पास है, बदकिस्मती से हमें कदर कोई नहीं। काफिरों के पास जिंदगी क्या उसूल हैं कि बाप को बर्दाश्त नहीं करते, ओल्ड एज होम में फेंक देते हैं, हर तीसरी औरत को तलाक है, वो कौन सी जिंदगी के उसूल हैं? 80-70% मजमा और तबका उनके अंदर नफसियाती मरीज है, उन्हें जिंदगी का उसूल हो क्या पता। हाँ, उन्हें पुर्जे चलाना मशीन के अच्छे आते हैं। इंसानी एहसासात तो नाम की चीज ही उस माशरे के अंदर खत्म हो गई है। जैसे मशीन को एक वक्त पे तेल दिया जाता है और फिर उस पुर्जे से काम लिया जाता है, फिर एक वक्त के बाद उसे तेल दिया जाता है, फिर उस पुर्जे से काम लिया जाता है, वहां तो ये जिंदगी है। उन्हें क्या पता इंसानी जिंदगी की मिठास और मोहब्बतों के क्या लुत्फ और मजे होते हैं। चूंकि वो माशरा महरूम है, बाप को घर बर्दाश्त नहीं करता, कुत्ते को घर से घर में झोली में बिठाता है, बेटा बाप को नहीं पूछता लेकिन डोंगी से बड़ा प्यार करता है वो। उन्हें क्या पता इंसानी कदरें किस चीज का नाम है। ये तो इस्लाम का हुस्न था, जब इसमें बहार थी तो बेटा बाप, बेटी और माँ, शौहर और बीवी, यहां ऐसी मोहब्बतों के फूल खिलते कि घर जिंदगी बाहर की सारी थकावट घर के फिजा में आती दूर हो जाकर। मोहब्बत भरे जुमलों का तबादला, मोहब्बत भरा माहौल, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। अहले ईमान के लिए मदद और नुसरत की बहुत बड़ी शक्र है, बहामी इत्तेफाक व इत्तेहाद, और ये अल्लाह का खास इनाम है, इसलिए कि अल्लाह जबरदस्त हैं, बड़े हिकमत वाले हैं।